Hey guys, I'm Uzzwal. I'm really very sorry कि वीडियो मैं एक महीने तक कंप्लीट नहीं अपलोड कर पाया. तो यार मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मुझे पढ़ना था, तो इसलिए मैं एग्ज़ाम के वजह से आप लोग के लिए वीडियो नहीं प्रिपेयर कर पा रहा था, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई थी. तो मैं भी सोचा कि चलो तब तक बच्चे पढ़ लेंगे. पर यार अब डेट शीट आज आएगी, ठीक है, आज आएगी. और उसको उसके बारे में मैं कल आपको बढ़िया प्लान बताऊँगा कि उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है. तो अभी भी मेरा एग्ज़ाम चल ही रहा है यार, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लें आप लोगों के लिए, ताकि मैं वीडियो कम्प्लीटली पूरा चैप्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अच्छे से कंप्लीट करा सकूं, ठीक है. तो यार जितने भी बच्चे जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया है वो आपको दिख ही रहा होगा, आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम है या PA1 PA2 या यूनिट टेस्ट जितने भी होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही एकदम दिख रहे होंगे. तो यार इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बोर्ड्स में क्या होने वाले हैं, ठीक है. तो चलो यार ये कुछ क्वेश्चन हैं. देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, पर इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है. अब यार मैं कैसे बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे, तो यार ये बड़ा कई चीज़ों को देख के और बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ कि अब ये क्वेश्चन की बारी है और यही आएगी. अब यार आएगी इसकी क्या गारंटी है, तो पिछले भी क्वेश्चन जितने चैप्टर मैं करा चुका हूँ उस चैप्टर से वो वीडियो जाके आप देखो और वो क्वेश्चन को जरा नोट डाउन कर लो. और कोई एग्ज़ाम होगा आपके स्कूल में या आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, यूनिट टेस्ट या कोई भी, उसमें आप जरा मैच करना कि वो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है. मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं उठा के आलतू फालतू रख देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है आपके पास भी अरिहंत का होगा, उसवाल का होगा या एग्ज़ाम आइडिया, कोई ना कोई बुक आप लिए ही रहोगे. तो 1000 क्वेश्चन आंसर पढ़ने से अच्छा कुछ स्मार्ट वर्क कर लो, ठीक है, ताकि बोर्ड में अच्छा कर जाओ. और ये यार स्पेशली सिर्फ और सिर्फ 12th के बच्चों के लिए है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, उनके लिए ये कुछ नहीं है. क्योंकि यार मैं सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन तुम रखते रहो, लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है. मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था. वीडियो एक महीने तक मैंने अपलोड किया, तो यार इसका मेन कारण यही था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था यार. आई एम रियली वेरी सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, ठीक है. और क्वेश्चन पे यार तुम प्लीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, प्लीज़. अब मैं कैसे बोल रहा हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट, मतलब मेरे क्वेश्चन के भरोसे बैठ जाओ और बोर्ड में ना आए तो फिर मुझे गाली दोगे. यस, तुम देना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुम देना. क्योंकि यार अब देखो, अब इससे बड़ा मतलब क्या हो सकता है. इतना भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. क्योंकि यार अब देखो, मैं भी पिछले साल अमन धतरवाल का, सचिन सर फिजिक्स का, फिजिक्स वाला का, फिर अरविंद अरोरा सर का, बायोमेटर्स का, हर जगह का मतलब स्टूडेंट रह चुका हूँ. हर जगह से मतलब यार सबको मैं फॉलो करता था, हर सबकी सुनता था, तो कहीं ना कहीं इतना तो आइडिया तो हो ही गया है. कितने क्वेश्चन लगा चुका हूँ मैं खुद, तो हर चीज़ क्वेश्चन का एक ट्रेंड पता चल गया है कि कौन क्वेश्चन किस ईयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो इस साल डायरेक्टली पूछेंगी बोर्ड में, ये मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ. तो जितना क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज़ ये इतना नोट डाउन करते जाना, ठीक है. और मेरी बात ध्यान से सुनो यार. देखो अभी क्या चल रहा है, आज डेट शीट रिलीज़ होगी अभी शाम तक, अभी तक तो आई नहीं है, पर अभी जैसे ही आ जाएगी, ठीक है, अब यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो दिखेंगे कि आपको आएंगे कि ये बोर्ड आ गया, बोर्ड में ऐसा होगा, बोर्ड में ये धमाल मचेगा, बोर्ड में कॉपी ऐसे चेक होगी, बच्चों को सारे पास कर दिए जाएंगे, बोर्ड में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैमरे होंगे, फिर बहुत स्ट्रिक्टली पेपर बनाया जाएगा, ये वो तमाम चीज़ें, मतलब एकदम भौकाल मचा देंगे यूट्यूब पे, ठीक है. पर आपका काम ये है यार कि अब देखो, ये फरवरी और मार्च अप्रैल तीन महीने आपके पास है, चार मई से आपका पेपर स्टार्ट होगा और 10 मई को आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. चार मई को स्टार्ट होगा और 10 जून को ख़त्म हो जाएगा, सॉरी, ठीक है. तो एक महीने का पूरा आपका पेपर चलेगा, तो उस अब बस पेपर कितना है, 5 या 6 होगा, जो कंप्यूटर का होगा वो चलो ठीक है, पर ओरिजिनली 5 ही पेपर होता है, 5 ही का मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है. तो 5 पेपर होंगे आपके और एक महीने का टाइम है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. इतना बढ़िया बढ़िया मतलब प्लान है कि आराम से हर एक पेपर एकदम फोड़ सकते हो, ठीक है. तो आज डेट शीट आएगी तो इसको देख के यार घबराना मत बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अब फटने लगती है, सच बता रहा हूँ. मैं पिछले साल में देखा था बच्चों की क्या हालत हो रहे थे कि डेट शीट देखे, मुझे तो मज़ा आ रहा था कि भाई चलो डेट शीट आ गया, एक्साइटेड था, चलो अब जल्दी से पेपर है, मैं लिखूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए यार. क्योंकि अब अपने आप को मोटिवेट करके रखो, ठीक है, कि अच्छा कर लूँगा, सब अच्छा होगा. क्योंकि यार सबको सब कुछ नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़े हो वही आएगा, जो आप नहीं पढ़े हो वही बोर्ड में आ जाएगा और आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है. सबको सब कुछ नहीं आता, जितना आपको आता है उस पर आप पूरा यकीन रखो, भरोसा रखो. तो मैं ऐसे मान के चलो कि यस, मैं जो पढ़ा हूँ इस चैप्टर से ऑल एनफ है और मैं अच्छा कर लूँगा बोर्ड में, ठीक है. ये अंदर अपने रखोगे तब जाके कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है. और अपने आप को कोसते रहोगे ना यार तो कुछ नहीं हो पाएगा.
तो चलो यार, अब वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना करना यार ये आपके ऊपर है, ठीक है, पर एटलीस्ट एक दूसरे को शेयर कर देना, क्योंकि यार बहुत हेल्प हो जाएगी दूसरे बच्चों की। अब ध्यान से मेरी बात थोड़ी सी और सुन लो। देखो आप लोगों को क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर आप पढ़ लो। अभी 2 महीने आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास वक्त है तो आप उस टॉपिक को, जो आपको इतना तो समझ में आ रहा हो ना कि कौन सा टॉपिक है, तो उस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। फिजिक्स है तो फिजिक्स वाला से ही पढ़ लेना यार, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मत पढ़ना स्कूल के चक्कर में प्लीज़। अब स्कूल देखो, अब 1 मार्च से आपका शायद वो होगा, वाइवा भी स्टार्ट होगा, तो प्रैक्टिकल ये वो ताम झाम करवाएंगे आप लोग से, ठीक है, तो इसके चक्कर में मत पढ़ना। वो सबको इक्वली मार्क्स मिलता है, 29 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत गवार हो तो 29 नंबर भी पाओगे, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेगी, आज फिजिक्स की आएगी, कल केमिस्ट्री की आएगी, परसों बायोलॉजी की आएगी, और बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन डालूंगा ना कि डायरेक्ट एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ डायरेक्ट पेपर में आएगा कट के, ठीक है। और केमिस्ट्री की हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन, तो मज़ा आ जाएगा यार, घबराओ मत, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की अल्टरनेटिव करंट, देखो यार क्वेश्चन अब मैं कैसे आप लोगों को बता सकूं कि यस ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अगले साल बोर्ड में आएंगे। अब मैं कुछ मतलब अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता, क्योंकि अब खुद प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और इस क्वेश्चन को ट्रेंड देखना, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और कितने हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और घबराओ मत यार, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ इस वक्त से, ठीक है, इस वक्त से लेकर पूरा बोर्ड तक आपके साथ हूँ और फाड़ के रख देंगे यार, डोंट वरी, तुम्हारे मार्क्स लाने की गारंटी मेरी, तुम बस जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उतना ब्लाइंडली अच्छे से प्लीज़ करते जाओ और भरोसा रखो, ठीक है। और बाकी यार एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, अभी देखो कल आज डेट शीट आएगी शाम तक, और ये यूट्यूब पे देखो कचड़ा, ये देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर इन सबके चक्कर में हम क्यों पढ़ेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है, बस 1 से 2 महीना बचा है, हम उसमें अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसकी ये तामझाम वाले न्यूज़ आप मत चक्कर में पढ़ना, जो भी अपडेट हो गया मैं तुरंत आपको आके बता दूंगा, ठीक है, एकदम जेन्युइन न्यूज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मत पढ़ना यार, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड।